हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, विच आई थिंक यू शुड, हियर इज माय इंस्टाग्राम हैंडल बाय द वे। आई एम सुपर एक्टिव देयर। यू माइट नो दैट आई लव रीडिंग बुक्स एवरी वंस इन अ वाइल, एंड द बुक दैट आई एम रीडिंग करंटली इज बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रेकमेंड यू माई फेवरेट बुक्स दैट आई हैव रेड एंड लव्ड। एंड इससे पहले आई ऑल्सो मेड अ वीडियो अराउंड 2 years बैक जिसमें आई रेकमेंडेड यू माई फेवरेट बुक्स, सो दिस इज लाइक अ पार्ट टू ऑफ दैट वीडियो। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, यू नो द ड्रिल, please go subscribe to my youtube channel if you haven't yet. so without any further ado, let's get into the video and let's get started. jitni bhi books main is video mein aapko recommend karungi, un sab ka link niche description box mein de dungi. to agar aapko buy karna hai, aap wahan se link se buy kar sakte ho. and i personally like the books जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है एंड जिनको पढ़ने के बाद आई हैव दिस वॉर्म फीलिंग इन माई हार्ट। एंड माई फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दिस वेरी बुक विच इज ट्यूजडेज विद मॉरी, विच इज रिटन बाय मिच एल्बम। दिस बुक इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इसके दो मेन कैरेक्टर्स है, मॉरी हु इज द टीचर एंड मिच हु इज हिज स्टूडेंट, ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक। सो दिस बुक इज बेस्ड इन प्रेजेंट जहां पे द टीचर इज ओल्ड, ही हैज ग्रोन ओल्ड, ही इज नॉट वेल, ही इज सिक एंड डाइंग। एंड हिज स्टूडेंट जो मिच होता है, ही गेट्स टू मीट हिज टीचर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ही स्टार्ट्स विजिटिंग हिम एवरी ट्यूजडे एंड हेंस द नेम ट्यूजडेज विद मॉरी। सो दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स, 14 ट्यूजडेज इन विच मिच मीट्स मॉरी, एंड मॉरी जो टीचर है वो इम्पार्ट करता है अपनी लाइफ की विजडम टू हिज स्टूडेंट एंड दे डिस्कस अबाउट बिगर क्वेश्चंस। दिस बुक इज सच अ लाइट रीड बुक कि अगर आप एक चैप्टर भी रात को सोने से पहले पढ़ोगे तो यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप। एंड दिस इज आई थिंक फॉर अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू स्लो डाउन इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, दिस इज मोर बेस्ड ऑन योर इमोशनल वेलबींग एंड इट रिवॉल्व अराउंड रिलेशनशिप्स, इट रिवॉल्व अराउंड योर सेल्फ। आई थिंक एक चैप्टर ना 4-5 पेजेस का होगा एंड इट्स सच एन ईजी बुक। तो आई फील कि अगर कोई नॉन रीडर स्टार्ट करना चाहता है बुक रीडिंग, तो दिस इज अ ग्रेट बुक टू स्टार्ट विद। वट एवर लाइफ लेसन अ पर्सन हैज टू ऑफर या विजडम ही हैज टू इम्पार्ट वेन ही नोज ही इज अबाउट टू डाई, दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट। अमेजोन पे मिल जाएगी 299 रुपीज में। द सेकेंड बुक दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू इज ऑल्सो अ बुक विच हैज टू ऑफर ग्रेट लाइफ लेसन एंड दिस इज डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। नाम से आपको पता चल गया होगा, डू एपिक शिट, एंड दिस बुक लिटरली फोकसेस ऑन दैट। इट रिवॉल्व अराउंड योर 3 रिलेशनशिप्स दैट यू हैव विद मनी, विद टाइम एंड विद योर सेल्फ। द ओनली डिफरेंस इज दैट ट्यूजडेज विद मॉरी इज अ बुक विच इज बेस्ड मोर ऑन इमोशनल वेलबींग एंड दिस इज बेस्ड मोर ऑन योर फाइनेंशियल वेलबींग। This book is written by Ankur Variku, who is like my most favorite person when it comes to guidance with respect to financial growth. I am an avid follower of his YouTube videos and his content on Instagram. उनकी videos देख के, उनका content follow करके मैंने जितना सीखा, most of that मुझे इस book में मिला. And I would say कि अगर आपको कुछ life hacks चाहिए for time management, he is the best channel to subscribe to. एक ऐसा hack जो मुझे बहुत अच्छा लगा was कि he said कि आज की fast paced world में we try to remember everything, be it passwords, be it our to do tasks. So what he said was, what he gave as a hack was ki you go to WhatsApp, create a group with any one of your friends and later aap us friend ko remove kar do group se and you can rename that group as work and aap usko pin kar do and wo aapki top chat pe dikhega wo wala group. Since you are the only person in that group now, तो आप उस group में कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू ट्राई टू रिमेंबर इन योर ब्रेन, आपकी टू डू लिस्ट हो या फिर योर पासवर्ड, एनी थिंग दैट यू ट्राई टू रिमेंबर, जस्ट पुट इट इन दैट ग्रुप ताकि आपके पास एक जगह हो वेर यू हैव अ लिस्ट ऑफ एवरी थिंग। सो इन दिस बुक ही बेसिकली गिव्स यू छोटे से टिप्स या मोटिवेशनल नजेस जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखे हैं, सो ही इज गिविंग यू दैट विजडम, इम्पार्टिंग दैट विजडम टू यू इन दिस बुक। यू कैन गेट दिस एट अमेजोन फॉर 399 रुपीज। द नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू आर 2 बुक्स, वन इज काइट रनर, द सेकेंड वन इज 1000 स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी, बाय द सेम ऑथर, सो ब्यूटिफुली रिटन। मैं क्या बोलूं इस ऑथर के बारे में, खालिद हुसैनी, द वे ही राइट्स अ बुक, द स्टोरी, द characters, the relationship between them, the plot, everything is just so beautiful. Both of these are based out in Afghanistan, so you know ki Taliban and all that invasion included hai isme. First let me talk about the kite runner. So ye book hai do chote ladkon ki, do bachchon ki, Amir and Hassan, and unke beech ki friendship ki jo bahut hi beautifully dikhai hui hai.
एक काइट फ्लाइंग इवेंट होता है जिसमें ऐसा कुछ होता है हसन के साथ जो इन दोनों की लाइफ को चेंज कर देता है. एंड आफ्टर द रशियन इन्वेजन आमिर एंड हिज फैमिली इज फोर्स्ड टू फ्ली आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड दे मूव टू अमेरिका. बट कुछ सालों बाद आफ्टर 20 ईयर्स आमिर डिसाइड्स टू कम बैक टू अफगानिस्तान फॉर रिडेम्पशन दैट ही अल्टीमेटली डज नॉट गेट. एंड इसमें हसन एंड आमिर की जो ब्यूटिफुल लॉयल फ्रेंडशिप दिखाई है. आई हैव क्राइड रीडिंग बोथ दीज बुक्स एंड आई एम श्योर कि अगर किसी ने ये बुक पढ़ी होगी ना दे मस्ट बी फीलिंग इक्वली डेवेस्टेटेड एंड क्राइड. सेकेंड बुक इज अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स अबाउट अ गर्ल मरियम जो है 15 ईयर्स की एंड शी हैज बीन ब्रॉट टू काबुल टू मैरी अ मच ओल्डर मैन जिसका नाम होता है रशीद. सो आफ्टर 20 ईयर्स मरियम डेवलप्स अ बॉन्ड विद अ लोकल टीनेजर जिसका नाम होता है लैला एंड दे डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ मदर एंड डॉटर. आफ्टर तालिबान टेक्स ओवर फिर उन दोनों का जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है टू ओवरकम द फियर एंड ब्रूटैलिटी एंड हाउ दे टूगेदर ओवरकम द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल ऑफ देयर लाइफ. आई जस्ट सॉ कि खालिद हुसैनी हैज वन मोर बुक कॉल्ड एंड द माउंटेन्स एकोड एंड आई एम श्योर कि आई एम गोइंग टू रीड दैट वन एज वेल. इट कीप्स यू हुक्ड थ्रू आउट द स्टोरी एंड आपको कहीं पे भी ये बोर नहीं होने देता. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज 52 रेड पिल्स बाय ईका एंड सिद्धार्थ बैनर्जी. नाउ दीज टू आर अ मैरिड कपल हु बोथ ऑफ देम वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड 52 रेड पिल्स इज लाइक 52 चैप्टर्स इन विच वो छोटे छोटे 52 पिल्स देते हैं आपको अबाउट विजडम अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ बी इट फाइनेंशियल वेलबींग इमोशनल वेलबींग एंड इट्स जस्ट अ होलसम बुक जो सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है लाइफ के. सो 52 रेड पिल्स वन पिल फॉर एवरी वीक ऑफ द ईयर. इट्स सच अ लाइट रीड एंड आपको ये डेली पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. आप एक वीक एक चैप्टर को पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट रेड पिल थ्रू द वीक. इट्स लाइक कि आप हर वीक कुछ नया सीख रहे हो एंड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कोई नई चीज एंड दीज आर प्रिटी डूएबल थिंग्स एंड आई फील कि दिस इज जस्ट अ वेरी ईजी टू रीड एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट बुक. दिस वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई एम सो ग्लैड आई टुक हर एडवाइस बिकॉज दिस इज सच एन अंडर रेटेड बुक एंड आई फील कि अ लॉट ऑफ पीपल शुड नो मोर अबाउट दिस बुक एंड रीड इट. इसकी एक खास बात ये भी है कि अगर मैं आपको दिखाऊँ हर चैप्टर के बाद ना दे टेक योर असेसमेंट कि आपने क्या सीखा इस वीक के लिए एंड आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो विच आई फील इज अ ग्रेट थिंग. इट मेक्स द बुक मोर इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी फॉर 350 रुपीज. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव नॉर्वेजियन वुड बाय हारुकी मुराकामी. कुछ बुक्स ऐसी होती है ना कि बहुत फेमस है यू वॉन्ट टू रीड दैट बुक बट आप कितना कोशिश कर लो आप नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज देर इज अ राइट टाइम फॉर एवरी बुक. This is one of such books for me. I tried to read it. मैंने हमेशा start किया 2-3 बार इसे read करना but every time I got bored and I shut down the book and then one day I was in the zone कि मैं finally ये book पढ़ूँ and I started reading it and I finally finished it. So this is about a guy जिसका नाम है वतनबे and he likes his best friend's girlfriend जिसका नाम है नाओको. This story is happening in the past जब ये school में है. He likes his best friend's girlfriend and cut to the present he likes another girl. अब एक ऐसा time आता है when his past and present are colliding in the sense ki he is in touch with Naoko as well as the present girl that he likes. Naoko is like the love of his life and this is basically a complicated love story and how will Watanabe manage this love story, who will he choose. Isme jo girl hai Naoko uski story se main bahut sympathize karti hu because that girl has gone through a lot and is unwell, is emotionally unwell and जो उसकी journey पूरी दिखाई हुई है I hope you read it and आपको भी अच्छी लगेगी उसकी journey. This is kind of a mix of a teenager love along with old school love and I feel दोनों का जो amalgamation है it's so beautifully written by Murakami and ये आपको Amazon पे मिल जाएगी for 499 rupees. So that was it for my list and do let me know in the comment section below आपकी कौन सी favorite books हैं. So I'll keep on reading more books and recommending you my favorites. So that is it for the video guys. Please like this video, share it with your friends and please go subscribe to my YouTube channel. I will see you in my next video. Till then, bye.